मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने रानीपुर के जंगल में मिली सिरकटी महिला की लाश के मामले में आज पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता आयोजित कर इसका खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद के दौरान हुई मारपीट में महिला की मौत हुई थी। इसके बाद पति व उसके बेटे ने आरी से सर काट कर निशाने में पेट्रोल डालकर जला दिया। वही धड़ को हनुमान डोल मंदिर के पुल के नीचे छिपा दिया। महिला के सिर कटी लाश 29 दिसंबर 2022 को मिलने पर एसपी सीमाला प्रसाद, एएसपी नीरज सोनी, रोशन जैन एसडीओपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए धारा 302 201 भादवी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी थी। आरोपी की तलाश हेतु साइबर की मदद लेकर घटना के दौरान वहां से गुजरे सैकड़ों लोगों से पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं संपूर्ण टीम के साथ पूछताछ की गई। वहीं साथ ही साथ थाना क्षेत्र के समस्त ग्रामों में अपराध के संबंध में पूछताछ की गई है, परंतु कोई जानकारी नहीं लगने से पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना को बृहद स्तर पर ले जाने के लिए निर्देश देते हुए आरोपी तलाश हेतु अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी द्वारा बैतूल जिले एवं बैतूल जिले के सीमावर्ती जिले जिसमें होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, खरगोन के अलावा भोपाल, इंदौर के साथ साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले जिसमें अमरावती, नागपुर, अकोला एवं अन्य जिलों से गुम महिलाओं की जानकारियां प्राप्त की गई। इसमें गुम 500 से भी ज्यादा महिलाओं की जानकारी प्राप्त कर मृत महिला की पहचान करने का प्रयास किया गया। उक्त कार्रवाई में विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की गई लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 13 मार्च को थाना गंज में दिलीप डांगी निवासी सागर ने रिपोर्ट की कि उसकी बहन का 3 माह से कोई अता पता नहीं है, बातचीत भी नहीं हो पा रही है। जीजा से पूछने पर वह भी कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा है। रिपोर्ट पर जब पुलिस ने गुम इंसान कायम कर गुम इंसान महिला के पति शैलेंद्र राजपूत व परिजनों को पूछताछ हेतु थाना तलब किया, लेकिन शैलेंद्र रंगपंचमी के दिन से फरार चल रहा है। उनने फोन करके बताया था कि मतलब भाभी से बात करा दो, तो भाभी वहाँ तो थी नहीं, इसलिए सर। फिर क्या किया आपने? सर हम लोग बैतूल आए। क्या पता चला गया तुम्हें? यहाँ भी नहीं थी। फिर हम लोग सर थाने गए, रिपोर्ट लिखाई। आपको क्या बताया उन्होंने? इनने तो ये बोला था सर कि मायके गई हैं 2 महीना से, इनकी मम्मी मिली थी घर पे जब हम लोग आए थे सर, तो वहाँ तो 2 साल से नहीं गई सर। अच्छा, लेन देन लग रहा है आपको? क्या कारण लग रहा है इसमें हत्या का? हत्या का सर कोई अब ऐसा तो नहीं है, प्रताड़ित तो सर 2 साल से वो करते थे। कैसे प्रताड़ित करते थे? मतलब शराब पी कर सर मारपीट करते थे, तो हम लोगों ने एक दो बार बोला भी सर कंप्लेंट के लिए, पर बहन मना कर देती थी इसलिए, और ये भी सर धमकाते थे कि अगर कुछ करो। किस बात को लेकर बहन को प्रताड़ित करता था ये? पता नहीं सर, शराबखोरी करते थे सर। इसमें प्रमुख रूप से 3 आरोपी अभी सामने आए हैं, शैलेंद्र राजपूत जो पति है, और एक 14 वर्षीय बेटा है इनका, और इसका दोस्त है आरोपी का जिसका नाम है गोविंद वरकड़े। आरोपी अनुकंपा नियुक्ति में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, और 2010 में इसके ऊपर 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जो प्रचलित एक केस है यहाँ का बैतूल का बंकर कांड, उसमें ये प्रमुख आरोपी था, और जिसकी जांच उपरांत ये फॉरेस्ट विभाग से डिसमिस हुआ था। हाँ, प्रथम पत्नी को इसने जलाया था, जिसमें अपराध 2005 में 304B का पंजीबद्ध हुआ है थाना कोतवाली में।